कार्रवाई कर रहे हैं आप? ये जो अड्डाबाजी यहाँ पर जुबली पार्क गेट के पास हो रही है, इसको हमको खत्म करना है, और इसके लिए आज चेतावनी सबको दे के जा रहे हैं कि अड्डाबाजी यहाँ खत्म कर दीजिए। जो दिन भर जो आप का पार्किंग लगा करते हैं, चाय पानी पीने आते हैं, वो सब नहीं चलेगी। चाय पीजिए, चाहिए किसी गरीब आदमी को, हम तंग नहीं करने वाले दुकान वाले को। दुकान वाले को चेतावनी दे दिए कि चाय पीने आते हैं, चाय पिलाइए और सबको भेज दीजिए, जिसमें कि भीड़ भाव असामाजिक तत्वों का नहीं लगे। सर, गांजा वाजा भी कोई पी रहा था, इस तरह का कुछ मिला गया सूचना? ऐसा तो नहीं देखने आगे आया, लेकिन पीछे साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे, वो सबको डांट कर भगा दिए, बोल दिए किसी कल से कोई अड्डाबाजी करेगा तो उसको उठा के थाना ले जाएंगे, उसको विधिवत कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में, और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। होली व शबे बरात को लेकर जमशेदपुर व सरायकेला में सतर्कता, दोनों जिलों में पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में किया फ्लैग मार्च, आदित्यपुर के कई मार्गों में भी पुलिस ने पैदल मार्च किया। जमशेदपुर में 18 व 19 को नो एंट्री, राज्य सरकार के कार्यालयों में दोनों दिन रहेगी छुट्टी। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा पुलिस ने चोरी के आरोपी 4 किशोरों को पकड़ा, पुलिस ने मोबाइल दुकान समेत 3 दुकानों में चोरी को लेकर की कार्रवाई, पकड़ाए किशोरों की निशानदेही पर चोरी के कई सामान भी हुए बरामद, पूछताछ में क्षेत्र में हुई कई अन्य चोरी की घटनाओं का भी खुलासा। और जमशेदपुर में भी शुरू हुआ होली का हुड़दंग, माधुरी के फैन पप्पू सरदार ने शिशायर होम में मनाई होली, दिव्यांग व अनाथ बच्चों महिलाओं के साथ में खेली होली, होली मिलन में अबीर गुलाल व होली गीतों से सराबोर हुआ क्षत्रिय समाज, सरयू राय राजीव रंजन सिंह हुए शामिल, शहर में महिलाओं ने किया होली का पूजन। आइए बात करते हैं होली व शबे बरात को लेकर जमशेदपुर व आदित्यपुर में जारी सतर्कता की। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में होली एवं शबे बरात को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जमशेदपुर एवं सरायकेला खरसवा की पुलिस ने इसे लेकर गुरुवार को विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। जिला प्रशासन ने त्योहारों को लेकर 18 व 19 मार्च को शहर में नो एंट्री घोषित कर दी है। शबे बरात को लेकर जमशेदपुर व सरायकेला जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसे लेकर दोनों जिलों में गुरुवार को पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इसके द्वारा आम लोगों में विश्वास का भाव भरते हुए उनसे त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का आग्रह किया गया। जमशेदपुर में जिला पुलिस के साथ अन्य बलों के जवानों ने शहर के संवेदनशील सहित विभिन्न भागों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। होली एवं शबे बरात एक साथ होने को लेकर शहर में पहले से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन त्योहारों में हुड़दंगियों पर पहले ही कड़ी नजर रखे जाने की चेतावनी दे चुका है।
गुरुवार को सुरक्षा बलों ने मानगो सांची स्ट्रेट माइल रोड होते हुए रामलीला मैदान, शीतला मंदिर, जेल चौक, सोनारी, बारेडी, टेलको, गोविंदपुर व सुंदरनगर क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर हुड़दंगियों को संदेश दिया कि उन्होंने अगर कोई गलत हरकत की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी होली का अवसर है और सब्य बारात का अवसर है, दोनों त्यौहार बहुत पावन पर्व है और इस पावन पर्व त्योहारों के उपलक्ष्य पर आम जनता के अंदर सुरक्षा का भाव देने के लिए और जो असामाजिक तत्व हैं उनको ये बताने के लिए कि अगर आपने किसी भी तरह की कोई बदमाशी की, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया या लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स के लिए कोई खतरा पैदा किया तो आपके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये फ्लैग मार्च सिर्फ मानगो क्षेत्र में ही नहीं पूरे शहर में किया जा रहा है, अलग अलग टीम्स बन के परसुडी, बागबेड़ा, सीताराम डेरा, सिद्धगोड़ा, टेल्को, गोलमोरी, बर्मा माइंस, कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर सभी एरिया में ये फ्लैग मार्च किया गया है और प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है एंटी सोशल एलिमेंट्स से निपटने के लिए और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सभी को होली और सभ्य बारात की शुभकामनाएं। तेज बाइक्स के खिलाफ हम लोगों ने विशेष मोटरसाइकिल दस्ता बना के लगातार कार्रवाइयाँ की हैं और आप देखेंगे कि उसमें बहुत कमी आई है। जो बाइक्स जब्त हुई हैं वो लगातार जब्त रही हैं या उनके ऊपर कड़े मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत फाइन किए गए हैं। अभी भी इन लोगों के खिलाफ नजर बनी रहेगी और ये अभियान जारी रहेगा अनवरत। सुंदरनगर थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम व थाना प्रभारी अनुज कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च हुआ। सुंदरनगर थाना प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि होली और शबे बारात को लेकर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया है ताकि क्षेत्र की विधि व्यवस्था बनी रहे। आज दिनांक 17/3/2022 को होली और शबे बारात के शुभ अवसर पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो होली पर्व शांतिपूर्ण रूप से व्यतीत हो बोले दोनों फ्लैग मार्च किया है। नीलडूंगरी और सुंदरनगर चौक के आसपास में करीब 2 किलोमीटर दूरी में हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे। उदंतकरण लोगों को जो है जो भी लीगल एक्शन होगा लिया जाएगा, उनके खिलाफ जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। वहीं सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में होली और शबे बारात को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में दोनों त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस ने आदित्यपुर थाना परिसर से फ्लैग मार्च शुरू किया जो आदित्यपुर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इसमें आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के अलावा सशस्त्र बल के जवान भी शामिल रहे। वैसे आदित्यपुर थाना क्षेत्र में त्योहारों के मद्देनजर कुल 13 स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उधर जिला प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर 18 व 19 मार्च को शहर में नो एंट्री घोषित कर दी है। इस दौरान शहर में बसों को छोड़ बाकी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने होली को लेकर 18 मार्च के साथ ही 19 मार्च को भी अवकाश की घोषणा की है। इसके कारण दोनों दिन सरकारी कार्यालय एवं अन्य संस्थान बंद रहेंगे। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में 4 किशोरों को गिरफ्तार किए जाने की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस ने सिद्धगोड़ा 28 नंबर स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी के मामले में 4 किशोरों को पकड़ा है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व चोरी गए सामान भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही किशोरों से पूछताछ में क्षेत्र में हुई कई अन्य चोरियों की भी अहम जानकारी मिली है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित अंकित टेलीकॉम नामक मोबाइल दुकान में बीती रात चोरी हो गई थी, जिस संबंध में दुकानदार ने सिद्धगोड़ा थाना में शिकायत की थी। सिद्धगोड़ा पुलिस ने इस संबंध में 4 किशोरों को पकड़ा है जिनके पास से चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि बीती रात पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास अंकित कुमार की मोबाइल दुकान से मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी हो गई थी। इसके अलावा बारड़ी पेट्रोल पंप के पास चाय दुकान और विद्यापति नगर की एक फल दुकान से भी चोरी हुई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए एक नाबालिग को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ के बाद 3 अन्य किशोरों को भी पकड़ा गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उन्होंने 26 जनवरी की रात सूर्य मंदिर और पंचमुखी मंदिर में भी 2 अन्य के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने चारों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। को सूचना मिली कि सिद्धगोड़ा 28 नंबर रोड के पास अंकित मोबाइल नामक दुकान है जिसमें अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की गई है।
उसी समय सिद्धगोड़ा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र से यह सूचना प्राप्त हुई कि विद्यापति नगर और ट्यूब बारेटी के पास स्थित दुकान में भी गुमटी तोड़कर चोरी की गई है, जिसके आधार पर सिद्धगोड़ा थाना कांड अंकित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया, जिसके स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही के आधार पर तीन और अन्य विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और घटना में चोरी गए सारे सामानों को बरामद किया गया। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि दिनांक 15-16 की रात्रि में सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 4 गुमटी में इन्होंने चोरी किया, जिसमें सिद्धगोड़ा 28 नंबर मोबाइल दुकान AIWC के स्थित एक गुमटी में इन्होंने चोरी की थी, फल दुकान में इन्होंने फल की चोरी की थी और ट्यूब बारेटी में इन्होंने गुमटी में चॉकलेट कुरकुरे की चोरी की थी। इसके अलावे इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह भी बताया कि सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर और पंचमुखी मंदिर में इन्होंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर और सिद्धगोड़ा पंचमुखी मंदिर दोनों में कुल 6 आदमी घटना में शामिल थे और इन्होंने दोनों की जगह के दान पेटी को तोड़कर लगभग 28 से 29 हज़ार रुपया प्राप्त किया, जिसे मिलकर आपस में बांट लिया। इसमें 4 विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में अंतिम चरण में पहुंची होलिका दहन की तैयारियों की। जमशेदपुर में गुरुवार देर रात होलिका दहन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर के विभिन्न भागों में होलिका दहन वाले स्थानों में महिलाएं सुबह से ही परंपरागत तरीके से पूजा कर रही हैं। वहीं रात में होलिका दहन के बाद फगुआ गायन की तैयारियां भी की जा रही है। गुरुवार देर रात होलिका दहन के साथ ही जमशेदपुर में होलिका हुड़दंग शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पूर्व गुरुवार को पूरे दिन शहर में होलिका दहन की तैयारियां जारी रही। पुरुष होलिका दहन के लिए अपने घरों से दहन सामग्रियां लेकर ढेर पर डाल रहे हैं, तो महिलाएं सुबह से ही वहां पहुंचकर होलिका पूजन कर रही है। इसके बाद रात 1:25 पर होलिका दहन किया जाएगा। जमशेदपुर मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से सांची आम बगान में होलिका दहन की तैयारी की जा रही है, जहां पर मारवाड़ी समाज की महिलाएं होलिका दहन से पूर्व होलिका की पूजा कर रही है। उधर काशीडी नीलकंठेश्वर हनुमान मंदिर की ओर से होलिका दहन से पूर्व पुआलटाल के निकट भक्त प्रह्लाद का पूजन कर दंडारोपण किया गया। इस दौरान मारवाड़ी समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इसी प्रकार शहर के जुगसलाई, बिष्टुपुर, कदमा, सोनारी, मानगो, सिद्धगोड़ा, बारेडी, गोलमुरी, टेलको, गोविंदपुर, परसुड़ी क्षेत्रों में भी जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां चल रही है। और बात करते हैं होली खेलने चेशायर होम पहुंचे पप्पू सरदार की। माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार गुरुवार को चेशायर होम पहुंचे, जहां उन्होंने चेशायर होम के निवासी अनाथों, दिव्यांगों व महिलाओं के साथ होली बनाई। इस दौरान पप्पू सरदार के साथ सभी ने होली के गीतों पर खूब मस्ती की और एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल से सराबोर किया। माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार गुरुवार को चेशायर होम पहुंचे, जहां पप्पू सरदार ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में चेशायर होम में रहने वाले अनाथ व दिव्यांग बच्चे व महिलाएं शामिल हुए। होली के गीतों पर पप्पू के साथ सभी खूब झूमे। इस दौरान होली के गीतों पर नाचते गाते एवं अबीर गुलाल उड़ाते सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। बता दें कि पप्पू सरदार हर वर्ष होली, दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा के अवसर पर चेशायर होम पहुंचकर इन दिव्यांगों एवं अनाथ महिलाओं के साथ त्यौहार मनाते हैं। इस बार भी उन्होंने चेशायर होम में होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। पप्पू सरदार ने इस मौके पर कहा कि 2 वर्ष बाद कोरोना गाइडलाइंस के बिना होली खेलने का मौका मिला है। देखा जाए तो बीते 2 वर्षों में काफी कुछ बदल चुका है। पप्पू सरदार ने कहा कि 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ इस उम्र के सभी बच्चों को लेना चाहिए। कोरोना से सुरक्षित रहने का एकमात्र सहारा वैक्सीनेशन ही है, इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों समेत घर के अन्य सदस्यों को भी कोरोना का टीका लेना अनिवार्य है। अभी तो हम लोग पूरा कोशिश किए कि इस बार इंजॉय किया जाए और 2 सालों के बाद हम लोग को मौका मिला कि हम लोग इंजॉय कर पाए हैं थोड़ा सा, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग प्रत्येक को ऐसे ही मैंने होली मनाते रहें, इससे भी ज़्यादा और ज़ोर शोर से मनाएं, सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से होली मनाएं। और लोगों से बाकी तो यही मैं कहूँगा कि अभी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ठीक है, अभी बच्चों के लिए जो वैक्सीन निकली है वो बच्चों को वैक्सीन होली के बाद जिन्होंने नहीं लगवाई है वो बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि 12-14 साल के बच्चों को भी इंजेक्शन लग रही है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम घर परिवार वाले सब सुरक्षित रहेंगे। होली में लोगों को यही संदेश दूंगा, जिन जिन के घर में बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है या बड़ों ने नहीं लगाई है वो इस चीज़ को जरूर लगवाएं। और अब बात करते हैं स्वाभिमान महिला कल्याण की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह की। जमशेदपुर की संस्था स्वाभिमान महिला कल्याण की ओर से जमशेदपुर के मानगो बालीगुमा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
होली मिलन में महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर होली का आनंद लिया। हर साल की तरह इस साल भी स्वाभिमान महिला कल्याण की ओर से मानगो के बालीगुमा में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। जमशेदपुर के बालीगुमा में आयोजित होली मिलन समारोह में महिलाओं ने एक दूसरे को रंग बिरंगे गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर मौजूद बच्चों ने भी होली का खूब आनंद लिया। वहीं इस दौरान महिलाओं के बीच लड्डू वितरण भी किया गया। स्वाभिमान महिला कल्याण की सदस्यों ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। हर साल की भांति इस साल भी स्वाभिमान महिला कल्याण की ओर से होली मिलन समारोह रखा गया। समारोह बालीगुमा में महिलाओं के बीच लड्डू वितरण कर एवं अबीर खेल कर सम्पन्न किया गया। सभी देशवासियों को स्वाभिमान महिला कल्याण की ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं तमोलिया आस्था वैली में आयोजित होली मिलन समारोह की। कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत तमोलिया के आस्था वैली में जन चेतना समिति की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें कॉलोनी वासियों सहित अन्य लोगों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाकर फगुआ गीतों का आनंद लिया। बता दें कि कपाली के तमोलिया आस्था वैली में सामाजिक संस्था जनचेतना समिति के तत्वावधान में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में उपस्थित लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर आनंद लिया। होली मिलन में सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। समारोह में बिहार के छपरा और सिवान से आए कलाकारों ने फगुआ के परंपरागत गीत प्रस्तुत किए, जिनका उपस्थित लोगों ने खूब आनंद उठाया। संयोजक अजय कुमार ने होली मिलन समारोह एवं उसके उद्देश्य की जानकारी दी। हर एक साल होली मिलन समारोह रहती है, इसमें तमाम बस्ती के लोग, बाहर के लोग, चिंतक लोग, सबको बुलाया जाता है। सब लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और होली जो है बुराइयों पर अच्छाई का पर्व है। इसलिए लोग अपने पुराने दुश्मनी भेदभाव को मिटा कर यह कार्यक्रम में गले मिलते हैं, खाना पीना होता है और इसमें कुछ पदाधिकारी और कुछ क्रिकेट स्टूडियो में बुलाते हैं। जैसे अभी हमारे माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आ रहे हैं, पूर्व DDC जमशेदपुर परमेश्वर सदर जी पूछ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी भी आने की दिए हैं। अच्छा, इस होली मिलन समारोह जो गीत का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या बाहर से लोग आए हैं क्या? हाँ, बाहर छपरा और सिवान से कलाकार हैं जो अपना होली का गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। हिंदी में भी यहाँ सभी भाषाएं के लोग हैं, हिंदी भोजपुरी मिक्स भाषा के लोग यहाँ रहते हैं और हम सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और अब बात जमशेदपुर में आयोजित झारखंड क्षत्रिय संघ के होली मिलन समारोह की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से होली मिलन का आयोजन किया गया। इस रंगारंग समारोह में पूर्वी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसवा जिले के क्षत्रिय समाज के लोग फगुआ गीतों के साथ ही अबीर गुलाल से खूब सराबोर हुए। झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में होली मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसवा जिलों के क्षत्रिय समाज के लोगों ने शिरकत की। झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय, पूर्व DIG राजीव रंजन सिंह, RVP सिंह, चंद्रगुप्त सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी एवं बाहर से बुलाए गए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होली के गीतों का खूब आनंद लिया। झारखंड क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह ने बताया कि झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में आज ही के दिन झारखंड क्षत्रिय संघ की स्थापना की गई थी और तब से ही ये आयोजन होता आ रहा है। झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा जो है होली मिलन समारोह हर साल मनाया जाता है और आज ही के दिन जो है झारखंड क्षत्रिय संघ का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2012 में आज के दिन ही हम लोग संगठन का स्थापना किए थे और आज तक और निर्विरोध
और गति से जो चल रहा है, और आज हमारे संगठन में 10,000 परिवार जुट गए हैं, ये सबसे बड़ी हम लोग का। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के निकट हाता में 407 ट्रक उलटने से 3 लोगों के जख्मी होने की। जमशेदपुर से निकट हाता में गुरुवार सुबह एक 407 ट्रक के अनियंत्रित होकर उलट जाने से उसमें सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि घायल सभी कपड़ा व्यवसायी हैं जो विभिन्न मेलों में कपड़े की दुकानें लगाते हैं। तीनों घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई है। प्रायः हर दिन छोटी या बड़ी वाहन दुर्घटनाएं घट रही है जिनमें लोगों की जाने भी जा रही है। ताजा मामला गुरुवार सुबह हाता के समीप सामने आया है जिसमें एक 407 ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक पर सवार विनोद, दिलीप एवं ड्राइवर तीनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कपड़ा व्यापारी हैं जो विभिन्न मेलों में कपड़े की दुकानें लगाते हैं। घायलों के संबंधी विजय के अनुसार वे लोग गुजरात के निवासी हैं तथा फिलहाल जमशेदपुर के काशीडी में रह रहे हैं। दुर्घटना में घायल तीनों चक्रधरपुर से अपनी दुकान समेटकर जमशेदपुर लौट रहे थे, तभी हाता के समीप उनका 407 ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि सभी गुजरात के रहने वाले हैं। तो आज वो लोग आ रहा था, खत्म हो गया था, तो आते आते गाड़ी कुछ पलटी हो गया, तीनों को चोट लगा हो ज्यादा, तीन जन, विनोद, दिलीप और ड्राइवर का तो नाम नहीं जानते सर। क्या आ रहा था? क्या भाई? कपड़ा स्थिति कैसे अभी तो कहा नहीं जाता सर, अभी चल रहा है, अभी होगा तब कुछ पता चलेगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।